welcome dear students today we will study extranuclear inheritance extranuclear inheritance cytoplasmic inheritance and maternal inheritance all are one and same okay don't get confused with it now first of all we have to understand what is extranuclear inheritance सो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन्हारीटेंस इज डिफाइंड एज नॉन मेंडेलियन इन्हारीटेंस मीन्स ये मेंडल के जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करता है ओके okay? एंड इसका ट्रांसमिशन जो है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियस राइट तो इसकी इन्हारीटेंस लाइक समवेयर एल्स इन द साइटोप्लाजम ठीक है तो साइटोप्लाजम के अंदर इसका वहाँ से ये इन्हारिट होता है तो जो जीन प्रेजेंट होते हैं इनके है, इनहेरिटेंस के लिए उन्हें साइटोप्लाज्मिक जीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स कहा जाता है साइटोप्लाज्म में बेसिकली कुछ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है तो ये इनके ऊपर जो इनका अपना खुद का डी होता है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन्हारिटेंस ओके नाउ नेक्स्ट लाइन एज जर्नली ओनली one parent contributes towards the organelle heredity what does it mean one parent one parent ka matlab ye hai ki fertilization jab hota hai male or female gamete ka to तो female ka jo gamete hota hai wo cytoplasm more contribute karta hai zygote formation mein तो इसलिए जो है हम इसको generally ये कहते हैं कि one parents जो है वो वो contribute करता है ऑर्गेनली heredity में okay? ऑर्गेनिज दैट कंटेन क्रोमोजोम्स आर्कलोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रियम इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्मिक इन्हारीटेंस के अंदर हम इन्फेक्शियस हेरिडिटी को भी स्टडी करते हैं इट जनरली इन्वॉल्व सिम्बायोटिक पैरासिटिक असोसिएशन विद ऑर्गेनिज्म जनरली हियर वी स्टडी अबाउट कापा पार्टिकल्स इन पैरामिशियम नो मेटरनल इफेक्ट मेटरनल इफेक्ट क्या होता है डोंट गेट

और इसके कुछ एग्जाम्पल्स ओके नेक्स्ट सो फर्स्ट इज़ हाउ सल्टोप्लाजमिक इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड इसकी डिस्कवरी कैसे हुई तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले कार्ल कॉरन जो हैं उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था अर्ली नाइन्टीथ्स अर्ली नाइनटीन हंड्रेड नाइन में या कह सकते हैं अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था इन्होंने सबसे पहले मराबिलीज जलापा या हम कह सकते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट कहते हैं इसको तो इस प्लांट के अंदर इन्होंने कुछ आ, उसमें ऑब्जर्वेशन की इन्होंने देखा कि उसके जो पत्ते हैं वो कुछ पत्ते जो हैं ग्रीन कलर के हैं कुछ पत्ते हैं जो वाइट कलर के हैं या कह सकते हैं कलरलेस है और कुछ में मोजाइक पैटर्न हैं तो वहाँ से इनकी ऑब्जर्वेशन जो है गई वहाँ पर और फिर इन्होंने इसको स्टडी किया तो सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है कालकोरेन को जाता है तो देखिए आगे स्लाइड्स में किस तरह से मराबेलीस जलापा वाला प्लांट जो है उसमें लीफ वेरिएशन जो है दिखाई देता है सो ये पिक्चर है मराबेलीस जलापा का आ, प्लांट का और इसके अंदर लीफ वेरिशन जो है अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ देख सकते हैं हम कुछ आ, कुछ जो लीव्स हैं बिल्कुल ग्रीन है और सम आर कलरलेस और कईयों में ये मोजाइक पैटर्न भी नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ ड्यू टू सेग्रिगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट सो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इन्हरिटेंस है क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ओके सो साइटोप्लाज्मिक इन्हारीटेंस हो रहा है यहाँ पे सो कार्ल कॉरन ने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड नॉट द न्यूक्लियर जीन्स ओके Virigation in 4 o'clock plant. As I have earlier told you that in 1909, Carl Koren used Mirabilis Jalapa as a model study for his स्टडी ऑन साइटोप्लाज्मिक इन्हीिटेंस जो इन्होंने साइटोप्लाज्मिक इन्हीिटेंस की जो स्टडी की थी उसमें मेन उन्होंने मराबिलीज जलापा जो प्लांट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया था वहाँ उसने वेरिएशन क्या ऑब्जर्व करी सम ब्रांचेस जो है दे आर हैविंग वाइट लीव्स सम वर हैविंग ग्रीन लीवस एंड सम वर हैविंग वेरीगेटेड लीव्स दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन नॉट ही डिड ही डिड मैनी क्रॉसेज टू अंडरस्टैंड इट how does it happen so here one more slide is there showing variegation or variegated leaves in four o'clock plant okay uh, as this uh, on the same plant one single plant you can see here white leaves are present here green leaves are present and uh, this particular branch is showing variegated leaves okay so this slide is showing four o'clock plant showing variegation in ना दिस इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज शोइंग अबाउट कार्लोरेंस एक्सपेरिमेंट ओके दिस स्लाइड इज शोइंग कार्लोरेंस एक्सपेरिमेंट वॉट हेडिड सो उन्होंने क्या किया ग्रीन ओव्यूल्स के साथ राइट right? uh, यहाँ पे देखिए आप ग्रीन जो ओव्यूल हैं उनका क्रॉस करवाया वाइट पॉलन्स uh, के साथ ठीक है तो जब इसका इसके साथ क्रॉस कराया है, तो इनको सभी ऑफस्प्रिंग ग्रीन मिले ठीक है अब यहाँ इससे ऑपोजिट इन्होंने कंडीशन ले ली यहाँ पे पॉलिन ग्रीन ले लिए हैं और ओव्यूल वाइट ले लिए हैं तो यहाँ पे आपको सारे जो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग है वाइट मिले हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो भी फीमेल पेरेंट का जो पैटर्न है सेम पैटर्न इज़ ऑब्जर्व इन द ऑफ स्प्रिंग ओके ग्रीन है तो ग्रीन आ रहा है आ, और आपका यहाँ पे वाइट ओव्यूल्स हैं तो वाइट आ रहे हैं ऑफ स्प्रिंग ओके सो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है इनके अंदर माइटो क्लोरोप्लास्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हैं uh, वो फीमेल कंट्रीब्यूट कर रही है ज़्यादा तो जैसे उसके पास हैं सेम आर एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द कलर ऑफ द और पिगमेंटेशन इन द लीव्स Okay, this was the experiment uh, done by Carl goren uh, After this, he had concluded that chloroplast is responsible for the uh, the variegation or the pattern that he has observed in Mirabilis jalapa plant. Okay, uh, here he uh, he showed that. Only chloroplast is responsible for this, and there are three types of chloroplast here. One is having pigments, uh, having green pigment chloroplast, one is colorless, that is leucoplast. So, during um, and one is having uh, both green. और आपके कलरलेस दो, दोनों तरह के प्रेजेंट हैं तो अब जब ऑफस्प्रिंग के पास मदर कैसी मदर के पास ये है या ये है मींस उसके पास ग्रीन है मदर के पास या मदर के पास आपकी जो है ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस है या फिर मदर के पास जो है मिक्स्ड वाला है तो जैसा मदर का होगा उसी हिसाब से जो है ऑफस्प्रिंग का जो है ऑफ uh, का जो लीव्स का पैटर्न वैसा ही होगा ओव्यूल जैसे हम लेंगे सो इट्स अ काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ओके सो हियर इन नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम जो अभी मैं बता रही थी यहाँ पे उसी चीज को एक टेबल की फॉर्म में दिखाया हुआ है ये देखिए फीमेल अगर आप ग्रीन ले रहे हैं और इसका क्रॉस अलग अलग तरह के मेल से करवा रहे हैं आपको रिजल्ट ग्रीन ही मिलेगा ऑफस्प्रिंग का अगर वाइट आप फीमेल ले रहे हैं चाहे आप यहाँ पे पोलन ग्रीन ले वाइट ले वेरीगेटेड ले आपको रिजल्ट वाइट ही मिल रहा है ऑफस्प्रिंग का कलर और यहाँ वेरीगेटेड मतलब तीनों तरह के हैं तो इसलिए ये तीनों तरह का जो है ऑफस्प्रिंग में पैटर्न प्रोड्यूस करेगा ओके तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस हो रहा है जो कि एक तरह से कह सकते हैं हम साइटोप्लास्मिक इनहेरिटेंस है ओके नाउ नेक्स्ट पोकिनेस इन न्यूरोस्पोरा पोकिनेस इन न्यूरोस्पोरा क्या है पोकिनिस तरह का हम कह सकते हैं म्यूटेशन है न्यूरोस्पोरा में और न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है और न्यूरोस्पोरा क्रासा जैसे हम सभी ने इसको स्टडी किया हुआ है एक ही मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसको पढ़ा जाता है ठीक है क्योंकि ये हैप्लॉयड है नेचर में तो इसमें ईजिली अप्लाइड होने की वजह से जो है जेनेटिकल करेक्टर्स को ईजिली स्टडी किया जा सकता है म्यूटेशन uh, इसमें आसानी से देखी जा सकते हैं फिनोटिपिकली ओके okay. तो 1952 में मैरी मिशेल जो है उन्होंने एक न्यूरोस्पोरा का एक म्यूटेंट स्ट्रेन आइसोलेट किया जिसका नाम उन्होंने दिया पॉकी अब पॉकी में नॉर्मल वालों से क्या अलग बात थी कि ये स्लो ग्रो करते थे और इनके अंदर जो है साइटोक्रोम एक तरह से एबनॉर्मल टाइप का साइटोक्रोम प्रेजेंट रहता था और ये जो इन्हारीटेंस का पैटर्न था ये मटर्नल इन्हारीटेंस को शो करता था तो अब ये देखिए एक स्लाइड डायग्राम के माध्यम से इसको समझिए ये है डायग्राम यहाँ पे ये देखिए आप अगर मदर जो है मदर यहाँ पे पॉकी है ठीक है और यहाँ पे आपका मेल जो है मील uh, है दैट इज़ नॉर्मल वन अगर इनका फ्यूजन होता है तो टू एंड जाइगॉट बनने के बाद जो है जो स्पोर्स बनेंगे जितने भी स्पोर्स बनेंगे इसको स्पोर्स बनेंगे हेपलेट बनेंगे एन 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 तो सभी का जो फिनोटाइप है वो पॉकी ही होगा ठीक है क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म से आ रहा है ठीक है जो माइटोकॉन्ड्रिया मदर के साइटोप्लाज्म से आ रहा है तो वही इसका फिनोटाइप को डिसाइड करेगा राइट अब यहाँ कंडीशन ऑपोजिट ले लिया है नेक्स्ट के अंदर आप देखो यहाँ पे मदर को नॉर्मल ले लिया है और फादर को यहाँ पे पॉकी लिया गया है जब इनका फ्यूजन होकर हो के फर्टिलाइजेशन होकर जो जैगॉट बन रहा है उसके बाद फाइनली जो इसको स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर ऑल्सो लाइक मदर्स ये सभी जो हैं ये नॉर्मल टाइप हैं क्योंकि यहाँ पे इनको नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है फ्रॉम मदर्स साइटोप्लेजम ओके सो ये जो पॉकीनेस है या पॉकी जो है ये न्यूरोस्पोरा के अंदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट माइटोकॉन्ड्रियल इन्हारीटेंस ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल इन्हीटेंस तो पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा साइ क्लोरोप्लास्ट इन्हारीटेंस का सेकेंड हम ये पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल इन्हारीटेंस का ओके दिस टू ऑर्गेनिज आर प्रेजेंट इन द सो साइटोप्लाज्मीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉट साइटोप्लाजमिक इन्हारीटेंस ओके नाउ नेक्स्ट ये वन मोर एग्जाम्पल एज मोर इज़ नॉट एक्सप्लेन इन दिस बट cytoplasmic have यू एवर heard अबाउट साइटोप्लाज्मिक मेल sterility ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ये कुछ प्लांट्स के अंदर जो है जैसे कि मेज हो गया है इनके अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया uh, जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है मेल स्टेरेलिटी के लिए ठीक है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन साइटोप्लाज्म के थ्रू पास ऑन होता रहता है ठीक है तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ओके नाउ नेक्स्ट इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इन्हरिटेंस जो है ये इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड कुछ इन्फेक्टिव पार्टिकल्स जैसे कि कापा पार्टिकल्स यानी ये पार्टिकल्स क्या होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जो है एसोसिएटेड होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है और इनका इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की तरह होता रहता है ऑल दो विच आर नॉट असेंशियल फॉर द सेल फंक्शन बट दे मे बी प्रेजेंट दे मे नॉट बी प्रेजेंट ठीक है एंड इनके लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट द ओनली मोड जिसके द्वारा वो जो है आगे ट्रांसमिट हो लेकिन ये एक्चुअल में जो है कंजुगेशन हुआ है या जो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज जब होता है तो ये आ, साइटोप्लाज्मिक इन्हैरिटेंस की तरह ये पार्टिकल्स जो हैं एक्सप्रेस होते हैं या इन्हैरिट होते हैं ओके इसको भी हम एक स्लाइड के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है दो मोड दिखाए हुए हैं यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको मैं इन लार्ज करती हूँ ये एक दिखाया हुआ है हमें यहाँ पे जैसे नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पहला है यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर एक किलर स्ट्रेन दिखाया गया है यहाँ पे एक सेंसिटिव स्किन सेंसिटिव वाला दिखाया गया है तो ये जो जीन uh, जो पार्टिकल्स जो हैं ये के बड़े के से किलर पार्टिकल एंड स्मॉल वन से सेंसिटिव वन तो यहाँ पे अब ये कंजुगेशन हो रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सचेंज हो रहा है ठीक है तो एक किधर जहाँ पे के, के साथ जैसे एक uh, ये आ गए हैं तो ये सेंसिटिव होगा और जो दूसरा वाला है ये किलर प्रोड्यूस होगा इसी तरह से इसके जो प्रोडक्शन होंगे तो अगर इसके पास छोटा के सेंसिटिव ये अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है तो सेंसिटिव अदरवाइज किलर इसी तरह से सेम ये सेंसिटिव प्रोड्यूस होते हैं तो ये तो कंडीशन है कि जहाँ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है अब इसके साथ में ही एक दूसरा है पार्लर में ये हम देखते हैं इसको ये देखिए ये इसको मैं इन्लार्ज करके दिखाती हूँ ये यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो रहा है तो आप ये देखिए जो आपका किलर पार्टिकल राइट यहाँ पे ये किलर है और ये सेंसिटिव है अब यहाँ पे कंजुगेशन में आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी हो रहा है तो यहाँ पे जो दोनों प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई हैं डॉटर सेल्स बनी हैं यहाँ पे तो इनके अंदर क्या हो रहा है दोनों ही किलर टाइप प्रोड्यूस हो रही हैं ठीक है फर्दर इनकी ऑटोगेमी से एक किलर एक सेंसिटिव प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पे भी एक तरह से हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के थ्रू कापा पार्टिकल्स जो हैं इनहेरिट हो रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ओके करेक्ट नो फर्दर ये जो केमिकल इसके अंदर जो किलर पार्टिकल्स हैं दे प्रोड्यूस केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस ओके एंड दैट पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस इज नोन एज पैरामसिन और इसको स्टडी सॉन बॉर्न ने 1943 में पैरामीशियम के अंदर जो है ये पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स कापा पार्टिकल्स को ओके okay. और हमें पता है कि जो इसको प्रोडक्शन ऑफ कापा पार्टिकल ये एक डोमिनेंट जीन जो है अलील जो है के है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और जो सेंसिटिव स्ट्रेन है उसके लिए हम छोटा के जो है ये बताते हैं सो दिस इज़ द एग्ज़ैम्पल ऑफ कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम ओके नेक्स्ट मेटरनल इफ़ेक्ट मेटरनल इफ़ेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है मेटरनल इफ़ेक्ट को जनरली लोग मटरनल इनहरिटेंस के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं लेकिन इसको समझना होगा मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताते हैं मेटरनल इफ़ेक्ट होता क्या है वेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ करेक्टर इज एक्सप्रेशन ऑफ अ केक्टर यानी फीनो इज़ इंफ्लुएंसड बाय द जीनो टाइप ऑफ फीमेल पेरेंट ओके यानी मदर का जीनो टाइप इज कंट्रोलिंग द फिनो टाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग दैट इज़ नोन एज मटर्नल इफेक्ट ओके तो इट हैपन्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल जो स्टडी करेंगे दैट इज शेल कॉयलिंग जो है पैटर्न जो है इन स्नेल्स uh, ये इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो है स्नेल का जो इसको भी स्टूडेंट जो है उन्होंने स्टडी किया था सबसे पहले और इसको दो टाइप का इसका कॉलिंग पैटर्न होता है दो तरह का होता है एक सिनेस्ट्रल और एक डिक्स्ट्रल डस्ट्रल जो है वो डोमिनेटिंग डुम, है और सिनेस्ट्रल जो है ये आ, रिसेसिव टाइप है इसको छोटे डी से शो करते हैं इसको बड़े डी से तो आइए इसको एक डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं ये दिस इज द डायग्राम अब यहाँ पे आप पहले देखते हैं सबसे पहले मैं इसको एनलार्ज करके दिखाती हूँ फर्स्ट केस ओके अब फर्स्ट केस में आप देखिए यहाँ पे मदर एक डिक्सट्रल मदर का क्रॉस कराया गया है एक सनेस्ट्रल फादर से ठीक है यहाँ पे मतलब मेल जो है वो आपका सनेस्ट्रल है और फीमेल जो है वो आपका यहाँ पे आ, डिक्स्ट्रल है अब यहाँ इनका जीनो भी देख लीजिए ठीक है अब जब इनका क्रॉस कराते हैं तो हमें सारी प्रोजेनी यही मिलेंगी डी डी मिलेंगी और वैसे भी ये डोमिनेंट है तो यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा वो डेक्स्ट्रल होगा यहाँ पे तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही सेम है अगर अब हम इनकी सेल्फी करवाते हैं सेल्फिंग करवाएं इसकी एफ वन की जो हमें मिली है डी डी को डी डी से करवाते हैं तो हमें इस तरह से तीन तरह के जिनोटाइप मिलेंगे राइट दो होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस ओके अब देखिए आप यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो आप सोचेंगे कि ये डेक्स्ट्रल ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा चलिए लेकिन यहाँ क्या यहाँ पे तो रिसेसिव प्रेजेंट है जीन इसका स्टिल इसमें सेनेस्ट्रल टाइप का जीनोटाइप है लेकिन फिर भी इसकी रोटेशन या कोईलिंग का पैटर्न जो है वो डेक्स्ट्रल ही होगा क्यों क्योंकि इसकी मदर का जीनोटाइप जो है डेक्स्ट्रल है तो द मदर्स जीनोटाइप इज कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ या फिनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग राइट तीनों केसेस में ऐसे ही है और इसी को ही मेटर्नल इफेक्ट कहा जाता है ओके okay? यहाँ पे अब इसको समझते हैं दूसरे केस में बिल्कुल इससे उल्टा हो जाता है यहाँ पे यहाँ पे हम हमने मेल और फीमेल जो है चेंज कर दिए हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे फीमेल ये ले लिया है और मेल जो है आपका डेक्स्ट्रल है ओके तो जो फर्स्ट जनरेशन एफ वन हमें मिलेंगी तो सभी जीनो टाइप तो डी डी होगा तो सबका देखिए यहाँ पे ये इस हिसाब से जो है आपका डिक्स्ट्रल आना चाहिए ठीक है लेकिन सभी यहाँ पे क्या है सिनेस्ट्रल हैं क्योंकि मदर यहाँ पे सिनेस्ट्रल है चलिए इनकी भी सेल्फिंग करवाते हैं तो आपको चार तरह के ये जो है आ, मिल रहे हैं लेकिन तीन तरह का पैटर्न कह है सकते हैं तो दो होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस अब यहाँ से क्या है इनकी मदर की तो जो पैटर्न है मदर का जो पैटर्न है वो सिनेस्ट्रल है ठीक है लेकिन मदर का जीनो टाइप कैसा है मदर का जीनो टाइप इज डेक्स्ट्रल टाइप डेक्स्ट्रल टाइप का जीनो टाइप है ठीक है इसलिए ये सारे चाहे कोई भी जीनो टाइप कैरी करते हैं इन सब का जो फीनोटाइप है इट विल बी ऑफ वॉट टाइप इट विल बी ऑफ डेक्स्ट्रल टाइप ओके तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहा है हम लोगों को कि इसका ये मेटरनल इफ़ेक्ट का तो यहाँ हमने इन दोनों ही कंडीशन में आप देखिए क्या चीज़ स्टडी करी है हमने ये देखा है कि जीनो टाइप ऑफ अ मदर विल कंट्रोल द फिनो टाइप ऑफ ऑफ ठीक है तो इसी को ही मेटरनल इफ़ेक्ट कहते हैं ठीक है तो ये इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेटर्नल इनहेरिटेंस इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज विद इट ओके इन द लास्ट अगर हम इसको समराइज करें तो वॉट वी हैव स्टडीड हमने स्टडी किया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को स्टडी किया है जिसके अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस देखा जो कि मिराबिलीज जलापा के अंदर था माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस देखा जो कि पॉकी पॉकीनेस इन न्यूरोस्पोरा स्टडी किया दैन वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाजमिक मेल स्टेटेलिटी फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है अब ये देखा है कापा पार्टिकल्स के बारे में ठीक है कापा पार्टिकल किस तरह से पैरामिशियम में इन्हारट हो रहे हैं एंड फाइनली मेटरनल इफेक्ट ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन्हारटेंस ना वॉट वी कैन कंक्लूड फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट नॉट ओनली द न्यूक्लियर जीन ठीक है नॉट ओनली द न्यूक्लियर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन इन एन इंडिविजुअल ठीक है केवल न्यूक्लियर इन्हारीटेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है साइटोप्लाज्मिक इन्हारीटेंस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कैरेक्टर्स और ये वेरियस कैरेक्टर्स हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अभी स्टडी किए हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इन्हारिटेंस एंड डोंट गेट कन्फ्यूज